नमस्कार, एनबीसी हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं शाजिया। क्या आपने कभी सोचा है कि एग्जाम का टाइम हो और आपकी जगह पर कोई और जाके आपका एग्जाम दे तो वो कैसा मंजर होगा? हम आज बात करेंगे ऐसे ही एक स्कैम के बारे में। पैसे के आगे शुरू होता है असली खेल, पावर का। मेहनत अच्छे सैलरी टोककर बड़े लोग स्कैम करते हैं। वैसे तो भारत में बच्चों का सुसाइड करना बहुत आम सी बात है। हर साल ना जाने कितने बच्चे एग्जाम के प्रेशर में या फिर सही रिजल्ट ना आने के कारण अपने आप को मौत के घाट उतार लेते हैं। भैया 287, बस भैया मैं कुछ बन जाऊं। इंडियन एजुकेशन अपने आप में ही एक बड़े पैमाने पर धंधे का रूप ले चुका है, जिसको एक वर्ग बिजनेस के रूप में चला रहा है। मैंने किसी की जिंदगी खराब नहीं की, और अगर मैंने कुछ अमीर बच्चों से पैसे बनाए हैं और कुछ जरूरतमंद ब्रिलियंट स्टूडेंट्स की जेबें भरी हैं तो कुछ गलत नहीं किया है। एक फिल्म जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम पर बनाई गई है, हम बात कर रहे हैं व्हाई चीट इंडिया के बारे में। ये फिल्म आज रिलीज हो गई है। आज देश के हर एक इंसान का बस एक ही सपना है, इंजीनियरिंग या मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स का ठप्पा। ये सपने देखते हैं माँ बाप और पूरा करते हैं बच्चे। इस फिल्म में सीरियल के सर इमरान हाशमी अहम भूमिका में नजर आ रहे हैं। मैं पेपर लीक नहीं करवाता, बैड फॉर बिजनेस, बैड फॉर द नेशन। अब देखना यह है कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर क्या धमाल मचाती है। खैर, ये फिल्म जितनी मर्जी कमाई कर ले, लेकिन इस फिल्म को देखकर ये जरूर पता चल जाता है कि भारत का एजुकेशन सिस्टम किस हालात में है। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए एनबीसी हिंदी। एनबीसी के और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।